बसंत पंचमी पर बनाएं ये येलो कलर की मिठू सी और टेस्टी सी सेब की बर्फी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ सेब की बर्फी। बसंत पंचमी पर हम पीला और मीठा फूड तो बनाते ही हैं। इस बार मैंने बनाई है सेब की बर्फी। बर्फी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए खोया। ये मैंने जीरो सेब लिया है, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता, हमें यही वाला सेब लेना है जो बिल्कुल पतला होता है। घी, चीनी, दूध और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम खोए को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये लगभग 250 ग्राम वेट में खोया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। जब ये घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। मैंने ये मेज़रमेंट वाले कप लिए हैं, आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें। फिर हमने ये 2 कप खोया लिया है, उसे हम अच्छे से घुमाएंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। जब ये खोया और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरीके से बॉईल होने लगेगा, हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा, हम इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे और इसे हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, इसे हम स्टर करते रहेंगे। हमें इस मिक्सचर को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमें इसे पतला ही रखना है ताकि हमारी बर्फी सॉफ्ट बने। हमें इसे इतना ही पतला रखना है जैसे ही एक चम्मच हम इसमें डालें तो वो हल्का हल्का ही कोट हो। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप साबुत इलायची ले रहे हैं तो आप उसे कूट कर डाल सकते हैं। इसे हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें 2 कप ये सेव डालेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये सेव नमकीन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फीका होना चाहिए और ये बिल्कुल पतला वाला सेव ही होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्सर कितना गाढ़ा हो गया है अपने आप ही। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फ्लेम हमें ऑफ कर देनी है। मिक्सचर हमारा सेट करने के लिए ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सेट करेंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे इसे सेट करने के लिए। आप चाहें तो थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। हम इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ब्रश की हेल्प से और जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे ऊपर से एकदम प्लेन कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके ऊपर हम बादाम लगा देंगे इस तरीके से और थोड़े से पिस्ते भी लगा देंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। मेरे पास ये लड्डू का खाली डब्बा था, मैं इसमें भी आपको बर्फी सेट करके दिखाती हूँ। पहले हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे और एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम इसमें अच्छे से फिल कर देंगे दबा के, तो हमारी इसी शेप की बर्फी रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये बर्फी तो हमारी सेट भी हो गई। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, गोल गोल सी एकदम। 1 घंटा हो गया है, ट्रे भी हमारी सेट हो गई होगी। आइए हम चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल ये सेट हो गई है अच्छे से। एक शार्प नाइफ की हेल्प से हम इसे बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। आप बर्फी का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इस तरीके से इसके पीसेस हम काट लेंगे। और आप मिल्क पाउडर से भी बर्फी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी। ये देखिए हमारी सेव की बर्फी एकदम सर्व करने के लिए रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।